Students, here we are discussing about the NCERT math class 10th exercise 1.1. Sum number is 2. Here our sum is show that any odd positive integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5. Here where q is sum integers. तो हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है, किसी भी तरह का जो ओल्ड पॉजिटिव इंटीजर है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो इसको हम प्रूव करने के लिए हमें दो बातें पता होनी चाहिए, सिंपल सा फंडा है, एक तो यूक्लिड लेमा और दूसरा है इवन ऑड। तो इन दोनों का ये यूज करके हम इसको निकाल लेंगे। तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b is equal to 6, then according to Euclid division algorithm, a is equal to 6q plus r. And what is r? R is the remainder that is lies between 0 to 6 and equal to 0 or less than 6. और यहाँ पर अगर हम इस sums के अंदर देखें, तो यहाँ पर कौन-कौन से remainder हो सकते हैं? यहां पर देखें, रिमाइंडर का पता करने के लिए हमें ये इसको थोड़ा डिवीजन का यूज करना पड़ेगा। लेट अस सपोज एनी नंबर दैट इज 6, 6 इज डिवाइड बाय 6, देन रिमाइंडर इज 0, देन पॉसिबल रिमाइंडर इज 0। यदि हम 7 को करें 6 से डिवाइड तो कितना रिमाइंडर आएगा? 1। इसी प्रकार हम 8 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 2। इन द सेम वे अगर हम 9 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3। अगर हम 10 को करें तो कितना आएगा? 4। अगर हम 11 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5। और फिर हम 12 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? दोबारा से फिर वही 0। इसका मतलब क्या है? जो ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर है दैट इज 0, 1, 2, 3, 4 और 5, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो फिर हमारे नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? जब रिमाइंडर 0 है देन a इज इक्वल टू 6q प्लस 0, और व्हेन r इज इक्वल टू 1 रिमाइंडर इज 1, देन नंबर इज 6q प्लस 1, व्हेन r इज इक्वल टू 2 देन नंबर इज 6q प्लस 2, व्हेन r इज इक्वल टू 3 देन नंबर इज 6q प्लस 3, व्हेन रिमाइंडर इज 4 नंबर इज 6q प्लस 4, when remainder is 5 number is 6q plus 5। ये हमारे possible number हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर even odd का use किया जाएगा तो आप देख सकते हैं 6q है वो even है, the number which is divisible by 2 is called even number, और अगर हम उसमें 1 add कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? odd। इसी प्रकार next is even number, this one is odd, then even, then और तो अगर हम इनको अलग अलग करके लिखें तो इवन नंबर्स कौन कौन से हो गए? 6q, 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 4। तो बाकी हमारे पास कौन से बच गए? ओड नंबर। ओड नंबर्स आर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। तो हम देख सकते हैं हमारे पास ओड नंबर कौन कौन से हुए? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। इसका मतलब यह है हमने प्रूव कर दिया कि जो ओड नंबर है वो इसी फॉर्म में ही हो सकते हैं। हेंस एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको सम अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यह दो ही फंडे थे, एक था यूक्लिड एल्गोरिथम दैट इज a इज इक्वल टू 6q प्लस आर, और उसके बाद इवन ऑड हमने नंबर्स क्रिएट करने थे, नंबर हमने बना लिए, उसमें से जो इवन थे अलग कर दिए, ऑड अलग कर दिए, तो मैक्सिमम यही हमारे पास नंबर आ सकते हैं। हेंस एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1।